नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। और अभी मैं पहुंचा हूं सांप को जंगल रिलीज करने के लिए। और देख सकते हैं हमारे हाथ में भारत के चौथे ऐसे सांप हैं, बैनेट क्रैथ। इसका हम लोग राज सांप के नाम से जानते हैं। और हमारे झारखंड में ये सांप रात में अधिकतर निकलती है, रात को 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे। और ये सांप का जो भोजन होता है वो सांप को ही खाता है। और ये बहुत ही खूबसूरत सांप है, जैसे कि रेलवे का जो क्रॉसिंग होता है, जेब्रा क्रॉसिंग, उस तरह से है। देख सकते हैं लाइनिंग ब्लैक और येलो में, ब्लैक येलो में है। और ये हमारे भारत में झारखंड के 4 जहरीले सांप कॉमन क्रैथ, कोबरा, रसल वाइपर और चौथे में आते हैं बैनेट क्रैथ, क्योंकि रात सांप के नाम जाने जाते हैं। और जितना खूबसूरत है उतना ही ये जहरीला सांप है दोस्तों। तो आप सभी लोग इस सांप को देख करके ये मत बोलिए कि ये सांप जहरीला नहीं है, बहुत सुंदर सांप है, ये है वो है, अंधविश्वास में ना रहें। और किसी इंसान को सांप काटता है, स्नैक बाइट होता है, तो आप सभी लोग सबसे पहले अपने घर के आसपास अस्पताल में इलाज कराएं, क्योंकि सांप काटने का इलाज और सांप काटने से बचने का इलाज एक ही इलाज है, एंटीवेनम, जो कि अस्पताल में ही मौजूद रहता है। ओझा गुनी झाड़फूँक के चक्कर ना पड़े, नहीं तो आपकी मृत्यु हो सकता है। तो दोस्तों इसी साथ हम लोग सांप को रिलीज करते हैं, वीडियो के अंत तक बना रहे। हमारे पास अभी और कुछ सांपें हैं जिसे मैं रिलीज करने वाला हूँ। देख सकते हैं ये अब चला अपने घर। बहुत ही शांत स्वभाव का सांप है ये, देख सकते हैं आप सभी लोग, बहुत ही शांत स्वभाव सांप है। और जितनी खूबसूरती है उसमें इतना ही जहर भरा हुआ है कि अगर कोई भी इंसान को काट देगा तो उसकी मृत्यु निश्चिंत है दोस्तों। तो आप सभी लोग वीडियो के अंत तक बने रहे। हमारे पास अभी कुछ और सांपे हैं, मैंने रेस्क्यू किया था इस सांप को। और ये इसमें एक भी जहरीला सांप नहीं है, क्योंकि जंगल में छोड़ते वक्त ना तो जहरीला सांप एक साथ छोड़ना चाहिए और ना एक झूले में रखना चाहिए, क्योंकि अगर जो जहरीला सांप रहेगा वो बिना जहरीले सांप को खा सकता है, मार सकता है। तो हम लोग का काम है सांप को इंसान तथा इंसानों को सांप से बचाना। और आइए हम लोग सांप को ज़्यादातर। तो दोस्तों अभी मैं, हमारे पास कुछ 8 से 9 धामन सांप होंगे, सीक्रेट किल बैग होंगे, जिसे मैं जंगल में रिलीज करता हूँ। वीडियो के अंत तक सही बने रहे आप लोग। तो क्या जूम कीजिए, देख सकते दोस्तों, देखिए देखिए किस तरीके से सांप आएगा, देखिए 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 किस तरीके से, किस तरीके से सांप का जो भंडारा था मैंने इसे रिलीज कर दिया। देख सकते हैं चिकन किल बैग काटने में काफी माहिर। और अब हमारे पास बचा एक छोटा सा नन्हा सा इंडियन रेड स्नैक, जो काफी छोटा है, छोटा सांप है, देख सकते हैं। और इसे मैंने रिलीज कर दिया। और आप सभी से हमारा अनुरोध है, आग्रह है कि अगर किसी भी इंसान को सांप काटता है तो सबसे पहले आप किसी भी अस्पताल, पीएमसीएच या सरपीएस अस्पताल में आप जाके इलाज कराएं, बल्कि किसी भी ढोंग, ओझा गुनी, झाड़फूँक के चक्कर ना पड़े, नहीं तो आपकी मृत्यु हो जाएगी। और इसी के साथ हमारा उद्देश्य है सांपों को इंसान तथा इंसानों को सांप से बचाना। और हमारे चैनल पर आखिर तक बने रहें। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि जितनी हमारी वीडियो है और हम जो बोलते हैं सही बोलते हैं, आप सभी तक हमारा मैसेज पहुंचाना है कि जितने भी अंधविश्वास में लोग जी रहे हैं, जो भी ढोंग के चक्कर में पड़ जाते हैं कि हमको कोई भी ढोंग आता है। और आप सभी लोग के लिए एक बहुत ही आवश्यक सूचना ये है कि अगर आप किसी भी इंसान को सांप बचाने के लिए अपने घरों बुलाते हैं तो सबसे पहले उसके बारे में जानकारी ले लीजिए कि कब से वो सांप पकड़ रहा है, नहीं पकड़ रहा है, कब से सांप पकड़ने उसको आता है, या कोई उसको टीम से संबंध है या नहीं है, एक अच्छी टीम से विलोम करता है कि नहीं करता है, एक अच्छा व्यक्ति है कि नहीं है। क्योंकि अगर आपके घरों में कुछ सामान चोरी होती है, या फिर अगर उस मनसोखिया स्नैक सेवर को, जो आप अगर सांप पकड़ना है उसे अगर सांप काट लेता है, तो आपके पूरे फैमिली को परेशानी झेलना पड़ेगी। मैं इस क्रम में आज 16 साल से रेस्क्यू कर रहा हूँ और काफ़ी नेक काम कर रहा हूँ, और लोगों को इंसान से, सांप को इंसान था, इंसानों को सांप से बचा रहा हूँ। सतर्क रहें, स्वस्थ रहें आप सभी लोग। मिलते हैं नेक्स्ट। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।